सभी को नमस्कार। शासकीय महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम बिजनेस बस्टिंग के अंदर अध्ययन कर रहे थे रिस्क एनालिसिस का। रिस्क एनालिसिस के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, रिस्क एनालिसिस क्या होता है, इसका थ्योरिकल पोर्शन जो था वो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर अध्ययन कर लिया था। आज हम उससे आगे स्टार्ट करते हैं। रिस्क एनालिसिस की दो विधियों को आपको समझाया गया था, उनके मेथड्स क्या, फॉर्मूले क्या है वो बताया गया था। आज हम उन विधियों के कुछ न्यूमेरिकल करके देखेंगे कि एग्जाम में आपको जो सवाल पूछा जाएगा वो किस तरीके से पूछा जा सकता है। यहाँ एक एग्जाम्पल आपको ड्रा किया गया है। हम कर रहे हैं रिस्क एनालिसिस के अंदर जो आपकी जोखिम बटा दर की जो दूसरी विधि आपको बताई गई थी उस विधि का हम अध्ययन कर रहे हैं, जोखिम समायोजित बटा दर विधि, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट मेथड। इसमें हमें सूचनाएं जो दे रखी हैं, एक तरफ आपको ये दिया हुआ है, फिर आपको कैश फ्लो बताया गया कि आपके पास दो परियोजनाएं हैं, पहली परियोजना एक्स है दूसरी वाई। रिस्क एनालिसिस के अंदर हमें ये फाइनल करना है कि हमारे लिए कौन सी जो परियोजना है वो फायदेमंद है, यानी हमें इन्वेस्टमेंट इसमें करना चाहिए या इसमें करना चाहिए, यानी हमारा जोखिम इसके अंदर कम है और जोखिम उसी के अंदर कम होगा जिससे हमें रिटर्न अच्छा मिल रहा है या जल्दी मिल रहा है। तो सूचनाएं दी गई आपको, जो परियोजना आपकी एक्स है उसके अंदर आपको कैश का जो फ्लो बताया गया वो बता रखा है, इस तरीके से आपको वाई का कैश फ्लो दिया हुआ। एग्जाम में जब सवाल आएगा तो आपको इस तरीके से दिया हुआ। नीचे अतिरिक्त सूचनाओं में हमें दे रखा है कि जोखिम रहित बटा दर भी जो रेट है वो है 10%, ठीक है, और साथ में बता रखा है जोखिम पर ब्याज दर जो है वो प्रीमियम जो बता रखा है आपको उसके रेट बता रखे, परियोजना एक्स के लिए 2% और परियोजना वाई के लिए 5%। हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें क्या देखना होता है कि जो वैल्यू आ रही है उस पे इस रेट को हमें डिस्काउंट करके इसकी वैल्यू निकालनी होती है, प्रेजेंट वैल्यू, फिर हम देखते हैं कि ये परियोजना ठीक रहेगी या ये परियोजना ठीक रहेगी। तो जो डिस्काउंट की रेट जो आपको दे रही है 10% दे रही है, एक्स परियोजना की हम बात करते हैं उस रेट से क्या होगी आपकी 10% आपको दे रखी है और साथ में एक्स के लिए बताया आपको 2% पर ब्याज, यानी जो टोटल डिस्काउंट रेट आपको लगानी पड़ेगी वो कितनी लगानी पड़ेगी इसके लिए 12% एक्स के लिए, और वाई के लिए आपको कितनी चाहिए 10% दी हुई है और पर ब्याज करें वो 5%, यानी इसके ऊपर कितनी अप्लाई होगी टोटल 15% के हिसाब से अप्लाई होगी। इस पे परियोजना एक्स पे 12% डिस्काउंट के आधार पे और वाई परियोजना में 15% के आधार पे हम क्या करेंगे डिस्काउंट रेट को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो एक्स परियोजना है उसको फिर देखते हैं, तो जो पीवी फैक्टर वैल्यू है वो देखते हैं। तो शुरुआत में जब हमने कोई भी हमें इंप्रूवमेंट मिल रहा है तो क्या रहेगा वैल्यू 1। अब पहले साल में जब हम इसको 12% पे इसकी पीवी निकालते हैं तो आपके पास आती है 0.893, दूसरे साल के लिए 0.797, तीसरे साल के लिए 0.712 जो टेबल में आपको गिवन होती है। अब आता है आपका परसेंट रेट निकालेंगे इसे, तो हमें जो ये 20,000 मिल रहा है क्या ये वास्तव में 20,000 है, तो यहाँ वैल्यू क्या है 20,000 को 1 से मल्टीप्लाई कर वैल्यू क्या आगे वापस 20,000। अब बात करते हैं पहले साल की, हमें कैश इनफ्लो क्या मिला 8,000, लेकिन ये जो कैश इनफ्लो 8,000 मिला है ये हमें एक साल के दौरान मिला था, उसकी वैल्यू उस टाइम जो आज वैल्यू है वो तो नहीं रहने वाली, आज जो 1 रुपये की खरीदने की ताकत है वो एक साल के बाद तो वो नहीं बचेगी ना। तो जो डिस्काउंटेड रेट 12% हमने अप्लाई किया जिससे वैल्यू क्या निकल के 0.893, जब हम इस 0.893 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 7144, यानी जो 8,000 रुपया है वो वास्तव में क्या है 7,144 रुपये ही है। तीसरे दूसरे साल में फिर 8,000 रुपये मिल रहे हैं, अब इसकी जो पीवी वैल्यू है वो क्या 0.97, जब इस 8,000 को 0.97 से मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू आपके पास क्या है 6376, यानी ये वैल्यू ये ना होकर परसेंट वैल्यू सी क्या है ये। इसी तरीके से 4,000 में जब 0.712 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या है 2848। अब हम क्या करते हैं, जो हमें मिला है उसकी टोटल कर लेंगे और जो हमारी परियोजना की लागत है हमने वो देख ली सर, तो जब हम इन तीनों की टोटल करके इसमें से लेस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या निकल गया -K3632। अगर हम यहाँ देखें 8 बार
2800 रुपए में प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन वास्तव में वैल्यू की क्या है, 7, 6 और 2 क्रमशः। तो ये वैल्यू जब हम इसमें से लेस करेंगे तो ये 20,000 से कम आती है। तो ये हमें क्या मिला, एक्स परियोजना। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, वाई परियोजना की। अब इसने हमें क्या करना था, 10% और 2% दिया हुआ था आपको, तो 12% से हमें इसके ऊपर पी फैक्टर अप्लाई करके हमने प्रोजेक्ट वैल्यू निकाली। वाई परियोजना की हमें क्या बोला, 10% तो है ही है, और जो प्रकाशित करा है वो कितनी है, 5%, यानी टोटल कितना करेंगे हम प्रोजेक्ट वैल्यू के लिए, इसका जो रिस्क डिस्काउंट है वो 15%। तो 15% ये वैल्यू क्या किया आपने, सारी 12% के ऊपर। अब जो वैल्यूज निकलेंगी ये सारी ये किसके होंगी, 15% के डिस्काउंट रेट के ऊपर। तो पहले साल के लिए तो आपको पता इसमें 20,000 है, एक ही रहेगी 20,000 शुरुआत के लिए। अब पहले साल की बात करते हैं तो यहाँ पे ऐसा आपको क्या प्राप्त हो रहा है, 10,000, लेकिन जो पीवी फैक्टर है वो क्या आ रहा है, 0.70, किस रेट से, 15% से। यहाँ किस रेट से था, 12%। तो जो 15% से वैल्यू आ रही है वही हमने निकाल दी, ये दूसरे साल के लिए, ये तीसरे साल के लिए। अब जो आपकी जो ये अमाउंट है वाई की, इसको आप क्या करोगे, इसे मल्टीप्लाई, तो आपके पास वैल्यू निकल के क्या है, 10,000 की वास्तविक वैल्यू जो है 15% डिस्काउंट रेट के ऊपर, 8,700 रुपये की है। इसी तरीके से इस 12,000 की वैल्यू क्या निकलेगी, इसके ऊपर 0.76 के ऊपर, जो आपकी 9,073। वास्तविक जो 12,000 रुपये है वो ना हो तो उसकी वैल्यू क्या है, 9,073 रुपये है। इस तरीके से 6,000 के लिए पी फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या आ गया, 3948, यानी 6,000 की रियल वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू 3948 है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों की टोटल करेंगे, इन तीनों की टोटल करके हम इसमें से लेस करेंगे, तो ये आप करके पॉजिटिव के अंदर 1720, 9,817 और 3,020 होती है वाली अमाउंट आपकी एक्सेस। यानी यहाँ पर आपकी लागत के ऊपर आपको क्या मिल रहा है, 1720 एक्स्ट्रा का वॉल्यूम। ये है वाई परियोजना की वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। एक्स परियोजना की प्रेजेंट वैल्यू है आपकी 3632 माइनस के, यहाँ आपके हैं प्लस के 1720 रुपये। तो आप भी बताइए इस प्रश्न को स्वीकार करोगे वाई परियोजना। अब यहाँ तक अगर हमने देखा तो हमें ऐसा लग रहा था कि यहाँ 10,000 निकल रहा है, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा लेकिन हम स्वीकार कर लेते हैं इस वाला की, वैसे देखने में लग रहा है, लेकिन कई सवालों में इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, लेकिन जब उसको डिस्काउंट रेट के ऊपर लेके आते हैं तो उसकी रेट्स क्या हो जाती हैं, कम हो जाती है। तो अब हमें आसानी से निर्णय कर सकते हैं कि एक्स को एक्सेप्ट करना है वाई को, तो एक्स को क्या किया जाएगा, रिजेक्ट, और वाई को एक्सेप्ट, यानी हमारे लिए वाई परियोजना लाभदायक है। तो ये था एक एग्जाम्पल जिससे हमने रिस्क एनालिसिस के मेथड को समझा। थैंक यू।